मेरा नाम संजीव कुमार टिंकू है। टिंकू जी, नहरी पानी किस तरह आ रहा है? नहरी पानी जी देखो तुहानू मेरे नाल ना ज़्यादा पता होंदा जी, क्योंकि तुसीं शहर दे विच रहिंदे हो। तो नहरी पानी पूरा गंदा आ गया जी। दो तीन दिन पहला भी साढ़े घर पूरा गंदा पानी आया सीगा, तो मैं बाल्टी दे विच आ वेख्या गंदा नहींगा, तो असी उवें आपकी टूटी बंद करके टैंकी तो भी कनैक्शन बंद करता भी ये गंदा पानी टैंकी दे विच चढ़ना जाए जी। किन्ने समय तो जिहड़ा माड़ा पानी आ रहा? देखो हो गए मेरे हिसाब ना कोई बड़े हिसाब ना 15-20 दिन हो गए जी पानी गंदे आने। कोई समस्या का किसी हल होया कि नहीं? समस्या का हल देखो जी, शिकायत करन की उत्थे लिखाया कर गया जी, करते दिन जी कम कई बार टप जाता जी, पर साढ़े को इन्ना टाइम नहीं होंगे भी दूजा पानी चढ़ा के आपका टाइम पास कर लीजिए जी। की मांग करते? मांग यही करते हैं कि पानी साफ आना चाहिए जी, यही मांग है जी। हो सकता कोई मांग घर सीवरेज का जो मिक्स किया हुआ पानी आ रहा बहुत मंदभागी घटना है। गर्मी के सीजन के पानी की मांग वध हो जाती है पीने लिए भी अते होर बथेरे कामों लिए, पर इदा सीवरेज का जो गंदा पानी आता है बहुत माड़ी गल है। मैं पंजाब सरकार को बेनती करदा मुक्तसर प्रशासन को कि मुक्तसर पवित्र शहर है और इत्थे जो पीने वाला पानी साफ सुथरा होना चाहिए। सीवरेज के पानी नाल कई तरह दीआं बीमारियां फैलन का डर है, जिस तरह हैजा है ठीक है, इस तरह भयानक बीमारियां फैलन का डर है और मांग साडी इक्को ही है कि पानी है जो वह साफ सुथरा आना चाहिए। मैं शामल गोइल जिला प्रधान नैशनल कंज्यूमर बिजनेस का बोलता। मुक्तसर के जो शहर है यदि 1.5 लाख की आबादी है, यदि वाटर सप्लाई में 3 हिस्सों में बंडे है, एक लाइनों पार, एक मेन वाटर वर्क्स, एक चक बीड़ सड़का, 4 टैंक तो मेन वाटर वर्क्स है, 3 एक टिब्बी साहब रोड से है, 2 अपने चक बीड़ सरकार है। इन्होंने वास्ते 31 करोड़ का अमृत प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। सरहद फीडर तो मोगा लगना मुक्तसर मेन वाटर वर्क्स पानी आना, वो पाइप पै चुके है, तो वह 27 लाख रुपया सेंक्शन का इरीगेशन वाले ने मंगया, वो फंड इन्हों को है नहीं, वो सेंक्शन होगा तो फिर पानी चलूगा। सैकेंड है भी इन्होंने 8 जोन बनाए है मुक्तसर से, 5 करोड़ की लैबोरेटरी बनाई है, जिन्ना चिर वो सिस्टम नहीं ठीक होंगे उन्ना चिर पानी की सप्लाई ठीक नहीं होंगी। जो सीवरेज के वाटर वर्क का सिस्टम है ना, इन्हों 2 तरह के फंड मिलते हैं, कुछ तो स्टेट देंगे है, कुछ सेंटर गवर्नमेंट अमृत प्रोजेक्ट के पैसे आए थे, वो उन्होंने विधान है भी कमेटी को पैसे देने, काउंसल लेंदी नहीं, वो वापस हो गई। जो पैसे यूज होते सीवरेज सिस्टम भी ठीक हो जाना जी, वाटर वर्क पाइपां चेंज करने वास्ते भी 22 करोड़ रुपया आया सी, वो भी वापस चला गया। कारण की रहा जी वापस क्यों गए? म्यूनसिपल कमेटी हैंडओवर लैन तैयार नहीं, विधान ये कहता भी चुने हुए मैंबर राही कम होना चाहिए, जो चुने हुए मैंबर आपकी फर्ज पूरा नहीं करते तो फिर सरकार की नलैकी है। कारण जी आ ही हैगा जी, पुराने अपने पाइप हैं इसी, काफ़ी पुराना शहर है मुक्तसर, इतिहासिक शहर है, 30-35 साल पुराने पाइप पे हैं, तो अमृत फेस 2.0 इन्हें रिप्लेस करने की हैगी, तो सरकार नाल फंड मंगे हुए 6 महीने शायद आ जाएंगे, उन्हें पिछे पास हुई सी इसकी SLTC मीटिंग PMIDC तो। तो बाकी जो भी आप छोटे मोटे कामों तो इनू करते ही हैं बी, जिन्ना जिन्ना हल हो सके उन्ना हल किया ही जा रहे हैं, तो फ्यूचर में होर किया जाएगा। तो पाइपलाइन रिप्लेस करे बिना होर भी एक हल है, जो लोग अपने कनैक्शन कराए तो नाल खुद खड़े होकर कराए कि जो नाल कनैक्शन हो रहा ढंग के तरीके नाल हो, ताकि कनैक्शन नाल मिकसिंग ना हो। मेन जो कारण आ भी है कि लोगों का कनैक्शन खराब होंगे उस करके भी मिकसिंग होंगी है, कई बार भी होंगे सिर्फ पर्टिकुलर घर में मिकसिंग है बाकी गली पूरी ठीक हैगी, आ बहुत कंप्लेंट आने उस लोगों का कनैक्शन अपना होगा, बाकी जो पुरानी पाइपा हैगी जो रिप्लेस हो जाएगी तो शहर में पानी बिल्कुल साफ आ जाएगा। तो आप पूरी वो कर रहे हैं कि पहल की पानी ठीक आए तो साफ हो जाए। इस अमृत फेस 2.0 जी 53 करोड़ का फंड है जो आना है मुक्तसर शहर लिए, सीवर का भी है तो उसका भी है पानी का भी है, तो 6 महीने या 8 महीने इसमें लगन गए फंड आने, पीछे पास होने की वो आई सी एक नोटिफिकेशन जी, तो जब आ जाएंगे उसके बाद कम होगा तो आ चीज़ ठीक हो जाएगी। जी देखो 6-8 महीने फंड आने लगेंगे तो उसके बाद कम होने भी टाइम लगेगा, तो नहीं फंड आने तो हो जाएगा कम होने मैंने लगता है भी साल साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, साल सवा साल का,
थोड़ा इन्हें एक टाइम लोगों को भी करना ही पड़ेगा। ओके।